विश्व विख्यात शक्तिपीठ श्री ज्वालामुखी में रामनवमी के शुभ अवसर पर राज्य योजना बोर्ड के उपाध्यक्ष रमेश धवाला ने मंदिर परिसर में चल रहे विश्व में वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के नाश के लिए पारंपरिक धार्मिक अनुष्ठान हवन पूजन में भाग लिया और मां ज्वालामुखी से कामना की कि इस वैश्विक महामारी कोरोना वायरस से सारे जगत को निजात दिलाई जाए। भारतवर्ष में लोग इस जानलेवा बीमारी से भयभीत हैं और मां ज्वाला जी लोगों के भय को मुक्त करें, निरोग करें और इस बीमारी के प्रकोप से लोगों को निजात दिलवाए। उन्होंने रामनवमी के शुभ मौके पर मंदिर में चल रहे धार्मिक अनुष्ठान के समापन अवसर पर शामिल होकर माँ का आशीर्वाद भी प्राप्त किया। उन्होंने समस्त देशवासियों को रामनवमी की शुभकामनाएं दी और मां ज्वालामुखी से कामना की कि महामारी जिस तरह से आपने हमेशा सृष्टि में दुष्टों का नाश किया है, उसी तरह इस वैश्विक महामारी कोरोना वायरस से इन संसार को निजात दिलाए ताकि मानवता की रक्षा हो सके और जगत में सौहार्द, शांति और प्रेम भाव का संचार हो सके। हमारे प्रदेश से, हमारे देश से ये इससे लोगों को छुटकारा मिले, तो ये मैंने कहा है कि जो साधन संपन्न लोग हैं वो अपना राशन कार्ड किसी गरीब आदमी को दे दें ताकि वो सस्ता राशन उसको मिल सके और ज्यादा से ज्यादा सीएम राहत में, सीएम रिलीफ फंड में अपना योगदान जरूर करें ताकि इस महामारी से हमारा प्रशासन जो है वो इतना, मतलब आज जो प्रशासन के लोग लगे हुए, चाहे पुलिस है चाहे कोई अधिकारी कर्मचारी सारे लगे हुए, तो इसमें हमारा एक नैतिक कर्तव्य बनता है कि हम ये जो है वो जरूर अपने नेकमाई से थोड़ा बहुत दान जो है वो इस बीमारी को मद्देनजर रखते हुए अपना योगदान जरूर दें। ज्वालामुखी की जनता से ये आह्वान करता हूँ कि अपना एक नैतिक कर्तव्य समझ करके इसमें जरूर अपना योगदान जो है वो दें, चाहे 100 दें, 200 दें, 10,000 दें, 20,000 दें, 1,00,000 रुपए दें, लेकिन दानी जो कुछ दे रहे हैं मैं उन दानियों का भी हृदय से उनका भी धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने अपनी नेक कमाई में से मुख्यमंत्री राहत कोष में दान दिया है इस बीमारी को से निपटने के लिए। तो मैं इतना कहते हुए सभी देशवासियों प्रदेशवासियों का धन्यवाद करता हूँ। इस रामनवमी के पर्व पर हिमाचल वासियों को, ज्वालामुखी के वासियों को हृदय से मैं शुभकामनाएं देता हूँ और परम पिता परमात्मा से भी और दुर्गा माता से, माता से भी मेरी ये बेनती है कि ये जो महामारी विश्व में आज लोग परेशान हैं, इस महामारी से ये देवी माता और परमात्मा निजात दे।